किसानों का अगला क्या प्रोग्राम है अक्रॉस द कंट्री? देखो, हम तो पूरे देश में जाएंगे, जो इनकी कारगुजारी है वो बताएंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगुनी हो जाएगी 2022 में, उसके लिए बताएंगे। ये जनता के बीच में जाएंगे तो इनका जवाब इनको देना पड़ेगा। और जिस तरह से खेल के मैदान बेचे जा रहे हैं, जिस तरह से मंडियों में इंडस्ट्रीज खोली जा रही है, मंडी की खाली जगह बेची जा रही है, रेलवे की जगह बेची जा रही है, जिस तरह से LIC FCI के गोदाम ये सब बेच दिया, पूरा देश बिक्री पर लगा दिया है, सेल फॉर इंडिया का जो नारा इन्होंने दिया है, उस नारे को रोकना होगा। राज्य की हर राजधानी में जाना होगा, हिमाचल तो हर राजधानी में भी जाएंगे, जिलों में भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। कोई देश में कोई पाबंदी थोड़ा है कि हम नहीं जा सकते, जहाँ पर समस्या होगी वहाँ पर जाएंगे। हिमाचल के सेब की दिक्कत आई तो हिमाचल में यहाँ पे आए, हम शिमला में आए, शिमला के किसान से बातचीत करी, तो ये बात तो आज करनाल में किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे। करनाल में किसान प्रोटेस्ट कर रहा था और 3 बार बैठे हुए किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करा, वे पूरे वीडियो वाल हुए हैं, जो अधिकार ने ऑर्डर दिए हैं किसान, और अगर बैठे हुए किसानों पर अत्याचार हो तो ये तो पूर्ण रूप से एक अत्याचार है किसानों को। यूपी में क्या स्थिति रहने वाली है? यूपी में 5 तारीख की बड़ी पंचायत है और आगे की पूरी रूपरेखा वहाँ पर बनाई जाएगी। थैंक यू।